चुनाव और उसके नतीजे हमारी सोच, हमारी प्राथमिकता और हमारे संकल्प की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है। ऐसे में यह आवश्यक है कि 2022 के चुनाव में अलगाववादी सोच को शिकस्त देने के लिए राष्ट्रवादी राजनीतिक ताकतों को मजबूत करें। यह आह्वान शनिवार को महमूदगंज स्थित पूजा रेजिडेंसी में आयोजित प्रबुद्ध जन समागम में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में किया गया। राष्ट्रवाद बनाम विभाजनकारी ताकतें संदर्भ 22 का चुनाव विषय पर विमर्श के दौरान अधिकांश वक्ताओं का कहना था कि राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता के लिए इलाकाई सोच, भाषाई विविधता व जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को मजबूती प्रदान करना आवश्यक है। समागम में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि जम्मू कश्मीर समेत देश के सीमावर्ती राज्यों में आज भी कुछ ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो अलगाववादी भावना को बढ़ावा दे रही हैं। कुछ ऐसे राजनीतिक समूह भी हैं जिनकी समय समय पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता भी सामने आती रही है। मौजूदा हालात में ऐसे राजनीतिक नेतृत्व को मजबूत बनाने की जरूरत है जिसकी राष्ट्रवादी सोच और नजरिया हो। कार्यक्रम में विषय की स्थापना करते हुए छपरा बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने कहा कि पश्चिमी देशों की साम्यवादी अवधारणा से पूरी तरह पृथक है भारतीय राष्ट्रवाद। हमारा राष्ट्रवाद अनंत और असीमित है, उसका जन्म सनातन संस्कृति से हुआ है। उन्होंने कहा कि देश आज़ादी का अमृत काल मना रहा है। इस काल में राष्ट्रवादी और अलगाववादी ताकतों के बीच संग्राम छिड़ा है जिसमें विजय राष्ट्रवाद की होगी। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार व हिंदुस्तान अखबार समूह के पूर्व संपादक अजय उपाध्याय ने कहा कि राष्ट्रीयता मूल रूप से मनोवैज्ञानिक चीज है जिसका राजनीति में कभी कभी प्रयोग किया जाता है। प्रबुद्ध जन समागम की अध्यक्षता पद्मभूषण पंडित देवी प्रसाद द्विवेदी ने किया और अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम के संयोजक पूर्व महापौर रामगोपाल मोहले ने किया। उन्होंने समागम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विमर्श के जरिए विभाजनकारी ताकतों को चिन्हित कर उनके खिलाफ मुहिम शुरू करना है। ज्योतिषाचार्य पंडित कामेश्वर उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजीव सिंह, जानी मानी महिला चिकित्सक डॉक्टर विभा मिश्रा, पंडित राम नारायण द्विवेदी, डॉक्टर श्रद्धानंद, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर अत्वी भारद्वाज, रंगकर्मी रतिशंकर त्रिपाठी, सुमन पाठक, फिल्म अभिनेता अनूप अरोड़ा, चिकित्सक नीरज श्रीवास्तव, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर कार्तिकेय, कवि चकाचौंध ज्ञानपुरी, डॉक्टर अजय सिंह, आलोक पारिक आदि ने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध जन मौजूद थे। भारत दुनिया के अंदर उसकी एक पहचान पहले से थी, लेकिन आज जब एक केंद्र में एक मजबूत सरकार और एक मजबूत नेतृत्व आया, तो आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर हमारे विचारों की जिस तरीके से प्रसार और प्रचार हुआ, ये हमारे मजबूत नेतृत्व और मजबूत के